साइंटिस्ट ने 2011 में एक रोबोट बनाया और उस रोबोट ने ऐसा क्या बोला कि उन्होंने उस रोबोट को नष्ट कर दिया। इस दुनिया की सबसे बड़ी तोप कहां पर है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मरने के बाद भी लोगों को एक साल तक घर में रखा जाता है? दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 20। दोस्तों, ये फैक्ट आपके बहुत काम आने वाला है। आपने कई बार पानी की बॉटल खरीदी होगी और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट भी देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बॉटल पर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है वो पानी की नहीं बल्कि बॉटल की होती है। पानी तो खराब ही नहीं होता, पर ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पानी ही खराब हो गया है। नंबर 19। आज चीन भले ही कुंग फू कला में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन उसे यह कला सिखाने वाला एक भारतीय था जिसका नाम था बोधिधर्म। उन्हें बोधिधर्मन भी कहा जाता है। कहते हैं कि वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने कई लोगों को अपना शिष्य बनाया और उन्हें प्राचीन युद्ध कला कलरीपट्टू सिखाई। बाद में इसी कलरीपट्टू को स्थानीय भाषा में कुछ बदलावों के साथ कुंग फू नाम दे दिया गया। नंबर 18। आप परमाणु बॉम्ब के बारे में तो जानते ही हैं। यह एक ऐसा बॉम्ब है जो एक बार में ही कई शहर तबाह कर सकता है और इसका परिणाम कुछ देशों पर देखा जा चुका है। पर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि परमाणु बम जब बनाया गया था तो इसका नाम क्या था। आपको बता दूं, जब परमाणु बम बनाया गया था तो उस टाइम इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। नंबर 17। दोस्तों, लोगों को पिज्जा खाना तो बहुत पसंद है। हम बात करें पिज्जा खाने के कॉम्पिटिशन के बारे में, तो क्या आपको पता है कि सबसे तेज पिज्जा खाने वाला व्यक्ति कौन है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस के रहने वाले कैल्विन मेडिना के बारे में। कैल्विन मेडिना को पिज्जा वॉरियर भी कहा जाता है। कैल्विन मेडिना एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 23.62 सेकंड में 12 इंच का पिज्जा खाने का रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 16। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अरे नहीं नहीं, मैं जीवित पक्षी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़े पक्षी की मूर्ति की। आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े पक्षी की मूर्ति केरल में है और ये मूर्ति जटायु की है जो भगवान श्री राम के वनवास के समय रास्ते में गिरा हुआ था। इस मूर्ति की ऊंचाई 21 मीटर, चौड़ाई 46 मीटर और लंबाई 61 मीटर है। नंबर 15। 2011 में साइंटिस्ट ने मिलकर एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट को बनाने के बाद साइंटिस्ट ने पूछा कि क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने रिप्लाई किया कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम मानव को सिर्फ कैद करके रखेंगे और अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। ऐसा सुनते ही उस साइंटिस्ट ने उसी समय उस रोबोट को नष्ट कर दिया। नंबर 14। दोस्तों, गुस्सा आना तो एक आम बात होती है। किसी को कम गुस्सा आता है तो किसी को ज्यादा, और गुस्सा सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। पर क्या आपको पता है कि चांदी के ग्लास में पानी पीने से गुस्सा कम होता है? यही रीजन है कि पहले राजा महाराजा चांदी के ग्लास में ही पानी पिया करते थे। नंबर 13। अक्सर आप फिल्मों में देखते होंगे कि एक्टर या एक्ट्रेस एप्पल के फोन एंड एप्पल के लैपटॉप यूज करते हैं, और यूज भी क्यों ना करें, क्योंकि एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाता है। पर आपको फिल्मों से जुड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताता हूँ कि एप्पल कंपनी किसी भी विलन को एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए अलाउ नहीं करती है। इसलिए फिल्मों में एप्पल के प्रोडक्ट्स सिर्फ अच्छे कैरेक्टर के एक्टर्स ही यूज करते हैं। नंबर 12। अगर हम बात करें कि 10 करोड़ रुपए में आप क्या कर सकते हैं, तो आप यही बोलेंगे, 10 करोड़ रुपए में हम एक आलीशान बंगला और अच्छी गाड़ियां ले सकते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसी पेन है जिसकी कीमत 11,02,84,000 है। ये दुनिया की सबसे महंगी पेन है और इसका नाम ऑरोरा डियामोंटे फाउंटेन पेन है। ये पूरा पेन डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम से मिलकर बना है। नंबर 11। दोस्तों, माना जाता है भारत से भी अच्छे हथियार कुछ अन्य देशों के पास हैं, पर भारत के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो काफी सालों पहले यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने बनाए थे, तो आज तक वैसे हथियार दूसरे अन्य देश नहीं बना पाए। इसी का एक एग्जाम्पल है जयगढ़ के किले में रखी गई तोप। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयपुर के जयगढ़ किले में है। नंबर 10। इन कपल्स को देख के आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर इस लड़की ने इस पावने लड़के के साथ शादी कैसे कर ली, या फिर ये लड़का कैसे रह लेता है इतनी लंबी लड़की के साथ। आपको बता दूं, इनका नाम जेम्स एंड क्लोलेस्टेड है और ये यूके के रहने वाले हैं। इन्होंने बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे एक दूसरे से शादी कर ली, और इन कपल्स ने मिलकर सबसे ज्यादा हाइट डिफरेंस कपल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नंबर 9। क्या कोई इंसान
इंसान है जो अपने शरीर से आंख को बाहर निकाल सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, पर इस बात को सच कर दिखाया है ब्राजील के रहने वाले क्लॉडियो पिंटो ने। क्लॉडियो पिंटो के पास एक ऐसी अजीबोगरीब शक्ति है जिसके जरिए ये अपनी आंखों को 4 सेंटीमीटर तक बाहर निकाल सकते हैं, मतलब करीब 95% आंख बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। नंबर 1, इस दुनिया में जहां एक आम इंसान बिजली के नंगी तारों को देखकर खौफ खाता है, वहीं पर भारत के रहने वाले राजमोहन नायर 500 वाट तक के बिजली के झटके को बर्दाश्त कर लेते हैं। और इनके साथ ही राजमोहन अपने शरीर से करंट उत्पन्न करके बल्ब और पंखे भी चला लेते हैं। इनके इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें इलेक्ट्रिक मैन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, क्या आपको पता है टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी फैमिली यानी उनकी माँ और बीवी से कभी टेलीफोन पर बात नहीं कर पाए। सुनकर अजीब लग रहा है ना कि टेलीफोन का आविष्कार करने वाला इंसान अपनी ही फैमिली से बात क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों बता दूं कि ग्राहम बेल की माँ और पत्नी दोनों बहरी थीं और अपने कानों से सुन नहीं सकती थी। इस वजह से ग्राहम बेल अपनी माँ और बीवी से कभी टेलीफोन पर बात नहीं कर पाए। नंबर 6, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी आँख पर पट्टी बांध कर दूसरे इंसान के चारों तरफ पड़े कोकोनट के गोले को हथौड़े से फोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के रहने वाले राकेश और प्रभाकर ने मिलकर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि आंख पर पट्टी बांधकर इस इंसान के चारों तरफ के नारियल तोड़ दिए। आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक है, फिर भी दोनों ने मिलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है इस धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। आपको बता दूं, इसका नाम अंटार्कटिक ब्लू व्हेल है और इस प्लेनेट का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। इसका वेट लगभग 182,000 मापा गया है और इसकी लंबाई का तो क्या ही कहना। इसकी लंबाई 98 फीट मापी गई है। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये एक दिन में कितना खाना खाती होगी। नंबर 4, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहां पर है और वो कितना बड़ा है। अमेजॉन का जंगल इस दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। बता दूं, दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे हार्ट ऑफ प्लैनेट भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो ये दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। नंबर 3, क्या आपको पता है एरोप्लेन के टायर क्यों नहीं फटते। एरोप्लेन में एक तरह की गैस भरी जाती है और इस गैस का नाम है नाइट्रोजन गैस। जिन टायर्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है उन टायरों के घर्षण होने के कारण आग लगने की संभावना नहीं होती है। इन टायर्स में भरा जाने वाला गैस ऑक्सीजन गैस से कभी क्रिया नहीं करता, इसलिए तेज रफ्तार के साथ जमीन पर उतरते हवाई जहाज के टायर गर्म होकर नहीं फटते। नंबर 2, आपने इस दुनिया में लोगों को बहुत महंगे महंगे कपड़े या सूट पहनते देखे होंगे, पर क्या आपको पता है अंतरिक्ष पर पहनने जाने वाला सूट इस दुनिया का सबसे महंगा सूट। आपको बता दूं, इस सूट की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर होती है, यानी हमारे 75,24,05,400 रुपए के बराबर। पर आप तो जानते ही हैं कि ये एक आम सूट नहीं होता है, इसमें कई तरह की विशेषताएं होती है। नंबर 1, एक ऐसा गांव जहां लोग डेथ होने के बाद बॉडी को जलाते नहीं, बल्कि उन्हें एक साल तक अपने घरों में ये समझ कर रखते हैं कि वो बीमार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के सुलावेसी इलाके में तोराजा नाम के एक गांव की, जहां लोग शवों को एक साल तक घरों में रखते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं। यदि कोई परिवार में जब मिलने आता है तो उनको शव से परिचित कराया जाता है, उस शव से हाल चाल पूछा जाता है। अगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो उनको ये कहा जाता है कि पिताजी अभी भी बीमार हैं और वो बोल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।